आपको 100 बार कपड़ा पसंद आए ना, हाथ लगा के देखो, पूरा शीशा लगवा रखे उसके आगे लगा के देखो, महंगे है बहुत ज्यादा, महंगे बहुत ज्यादा महंगे है। मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही कि वो सस्ता कौन सा है, मतलब 400 तक लेकर हम 9,500 तक के सूट बेच रहे हैं। या तो दुनिया तो महंगे रखा है, इसके तो इतने महंगे तो मतलब भाई आप तो ये देख लेना गाइज, अभी इसने बोला है मैं 1 मंथ तक मैगी नहीं मांगूंगी, इसने बोला ये नई आई है। नहीं नहीं पुरानी है, अंकल के पास नई आई है हाँ। पहली बार अच्छा तो इसने ये बोला परीसा ने कि मैं आगे मैगी नहीं खाऊंगी 1 मंथ तक। और इसकी वीडियो देख लेना आप, अगर इसने कभी मैगी खाई तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी फिर, ठीक है? ठीक है ना, वो तो रोज ही नहीं बनाते हो मैगी की। अच्छा मैगी बना, मुझे तो हिचकी आ रही है परीसा, पता नहीं कौन दुश्मन याद कर रहा है मेरा हिचकियों पे। होगी 2 मिनट, क्या की 2 मिनट, 4 मिनट तक रखना ये। इसके पैर पैर देख लो, या नु ठैल पड़ा है, देख लो मुंह तो मैं दिखाऊंगी, ढक ले मुंह, ढक ले कच्चे काट ले का मुंह कति, ये देखो ये देखो देख या नु, मतलब और के का करे वीडियो में भाभी, सारा दिन ठैल पड़ा है और या जिया फंस गई, देखो क्यों कर पड़ी यार। ओ स्ट्रोक आया पड़ा, इसने कोई मतलब नहीं है के हमारे सूट आ रहे हैं, हमें लगाने हैं, कोई आवेगा ना, देख नींद पूरी करा। हाँ रात ने जाग रहा, पानी देना। हाँ रात ने जावे, हमें क्यों आ रहे उनमें पानी देना ना, पुणे आना है। इसने जो खाव ला दिया इस भाभी ने, सो तो यानू ठहल पड़ा है, अरे देख लो जान के। अब तो जो वीडियो में कह दी ना के भाभी, ये भाभी एक की उठकाई सोन पे कड़ पे लग रही थी, सोगी सोगी इसी सी मैंने कोई सी सी भाभी पल्ला पड़ जाए ना। होगी क्या? पक्का? ओके लिखा है नो, नीचे वाला नो रिटर्न नो एक्सचेंज। अब जो भाभी है वही रहेगी, बदली नहीं जाओगी। आज मेरे में जाओगे, आज आप अपनी भाभी ने बदल का आओगे, नहीं ले आओगे बढ़िया सी। तने चेंज करो मर जाने मैं, रोत तक के मेले में मिठी मिठी बोलूंगी मैं तो ढूंढ गया छोटी का। वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, रहने दो अभी हम सारा निकाले गाइज, फिर मिलेंगे। सूट देखने हैं तो इधर से उधर चले जाना। गाइज इसको लुआ खाना, लुआ खा लो। देखो मैंने सोपे अभी अभी बनाया गरम गरम हलवा, ऐसे मत सोचियो हम नहीं बदला कर दे सूट, या बरन के पैर आवा हम नन के लिख रखे नो एक्सचेंज नो रिटर्न, हम नहीं बदल दे चाहे कोई डब्बन हो चाहे कोई हो। पहले हलवा खा लो, तो यहाँ आया गरम गरम हलवा, और ये पीछे ये औरत खड़ी है ना, ये या ही सूट बदलवाने, हम नहीं बदला वे बेग का लाख तक, मौसम बदल गया ना इसका सूट है, कोई सा ले जा पर बदलेंगे नहीं, चाहे तू 10 ले जा ना ये पर बदलेंगे नहीं, कोई भी छानी बन रही है, हम सूट से हम नहीं बदला कर दे किसी के। ये शिल्पा ले का ही दिलवा, ये लाई बूंदी है किसके तमंग का लाई है, ये ना पता क्या है, मंगलवार ने मंदिर में जाकर रूड़ा इकट्ठी कर ले अपने खातर भी मेरे खातर भी, किस तला करे ला कर करो। जागरण के लिए मेरी फ्रेंड ने इसके दुकान से सूट लिए थे, तो फिर उसने मेरे हाथ इसके लिए प्रसाद भी भेज दिया कि रानी को जरूर खिला देना, और एक सूट भी भेज दिया, और उसने मेरे को सूट दिया तो मैं बस उसका चेंज आराम चेंज हम कर देनी है। आई चाय पीवेगी? ठीक है हमारा दूध भी नहीं, हमने बना के पी ली। ठीक है गाइज अभी हम नमकीन मंगवाते हो, हलवा खा लो ना पहले, जे पिला ला रे सीड़ा हो जाएगा तन्नू खा ले, थोड़ी देर में मिलू मैं फिर दोनों अड्डी अड्डी मड़ी सी दो ही है अड्डी, एक तो पूरी खा गई। हां आज, आज बेरा लग गया लगी, फिर अड्डी उसमें तक खा ली, सारा दिन खावा है बेरा लग। तो पहले तो ना मैं आपको अपने महंगे आए सूट दिखाऊं जो नए कस्टमाइज करवाए हैं,
ये देखो पूरा हैवी कलेक्शन रहेगा और कंट्रास्ट में है इसका दुपट्टा। ये देखो स्पेशल डिमांड पर पूरा हैंड वर्क है और इसमें जो बॉटम का फैब्रिक आएगा उस पर भी वर्क आएगा और इसका दुपट्टा देखो बिल्कुल अलग सा कंट्रास्ट है, यानी कि ये तो हो गया लाइट ग्रे, ये देखो लाइट ग्रे और इसके साथ जो कंट्रास्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला येलो कलर, येलो से थोड़ा सा अलग है ये। ये देखो कंट्रास्ट देखो एक एक चीज पूरा हैंड वर्क का। और ये पता हमने कम से कम हो गया होगा एक महीना आराम से हो गया इसको ऑर्डर किया था और अभी ना सिर्फ दो सूट बन के आए हैं इसके सैंपल में और इतना टाइम इनमें लगता बनवाने में। और इसका प्राइस भी बता देती हूँ मैं, इसका प्राइस है 8,550, ठीक है। और ये बात फैली हुई है हर जगह है कि भाई इसके सूट इतने महंगे हैं, इसके सूट इतने महंगे हैं या इतने महंगे सूट देवा है, कोई कुछ कवा कोई कुछ कवा है। तो बात यह है जब यो एक महीने में तैयार होगा है पूरा हैंड वर्क का सूट है, बॉटम पे भी वर्क है, कमीज पे भी वर्क है और ये अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा, मतलब कोई भी वीडियो में ऐसे दिखा नहीं रहा होगा इसने कि ये सूट है, ठीक है। जो सूट तैयार करवाते ना अलग लुक होती है तो उस पर पैसे भी मिलेंगे लगेंगे, ठीक है। और जो यह कहो ना हैवी है इनके पास तो दुकान पे क्यों करावे तो मेरे पास तो 400 तक के भी मिल जाए हैं। और ये देखो कॉटन का जो सिर्फ 650 का है, लेकिन ये हम सिर्फ ना 100 पे देते हैं, ऑनलाइन नहीं बेचते इनको, प्योर कॉटन है, बिल्कुल प्योर कॉटन, ना आपको लाइनिंग लगवाने की जरूरत है। ये देखो चौड़ाई देख लो इसकी, फुल चौड़ाई है, बढ़िया लेंथ है, प्योर कॉटन का है। ये देखो पूरा इस पे सीक्वेंस का काम है, कितना बढ़िया सूट है, घर पे ही हैंड वॉश करो। ये इसका बॉटम का फैब्रिक आएगा और ये देखो बिल्कुल कॉटन में प्रिंटेड आएगा इसका दुपट्टा प्योर कॉटन का। तो कहां से महंगे हो गए जी, मुझे ये बताओ। दुपट्टा देखो एक बार कितनी लंबी लेंथ है इसकी, 650 में आज के टाइम में क्या आता है, एक जोड़ी चप्पल भी नहीं आऊंगी अगर ले होगे तो। ये देखो दुपट्टा देख लो कितना बढ़िया है। तो ये कलेक्शन होता हमारे पास और अभी भी बोलते हैं कि इसके तो इतने महंगे हैं, इतने महंगे। मेरे तो यह बात समझ में नहीं आ रही क्या चीज बोल क्यों रहे हैं कि इसके इतने महंगे, इसके इतने महंगे है। बात ये मेरे पास होती है हर तरह की वैरायटी और हैंड वर्क के मैं हैवी हैवी ऐसे सूट बनवाती हूँ जो कहीं मिले ना अलग से बिल्कुल। ये नहीं है कि आप पहन के गए हो, साइड वाला भी पहन रहा है, तीसरा बंदा भी पहन रहा, वो नहीं है। अगर आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हो ना मेरा एक सूट लेकर, अगर उसमें ये लगा लो बहुत कम ऐसा होगा, नहीं तो आप पे पहनने मिलोगे उस सूट को, ये नहीं है। तो भाई जब आप अलग चीज लोगे ना तो उस पर पैसे लगेंगे, महीने महीने में सूट तैयार होते फिर भी पता नहीं लोगों ने क्यों हवा उड़ा दी के भाई हाँ बहुत महंगा बहुत महंगा। एक बार ना कमेंट करके बताइए जरूर के ये सूट आपने कौन सी वीडियो में देखा, मतलब जो भी वीडियो में दिखा रहा भाई यूट्यूब पे कौन इन्हें बेच रहा है, कमेंट करियो। बाहर की निकारी मैं कहीं की, हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, तो एक बार कमेंट करियो। तो ये चीजें होती हैं जी, हर तरह का फैब्रिक होता है। ये रहे कॉटन के हमारे पास 500 तक के भी उस दिन मैंने दिखाए थे, 600 650 के, ये 650 का मिरर वर्क वाला सूट है। तो इस तक हम और के ले हो गए फिर, या तो कति है वो काम हो गया के सूटा नठावे लिया दे दू कहीं, जब मैं 650 के गेरू जब भी मैनू कह महंगे है, जब मैंने 500 की वीडियो गेरी जब भी कह महंगे है, 400 के हैं वह भी महंगे हैं। तो मेरे तो यह समझ में नहीं आई अभी तक कि वो सस्ता सूट कौन सा है 400 तक कम। एक बार मेरे तो ना उस दुकान का एड्रेस भी बताइयो या जो भी कोई ऑनलाइन बेच रहा उसका भी बताइयो कि 400 तक कम सूट कौन से हैं जो आपने सस्ते नहीं लागते, और साथ में फिर उनकी गारंटी भी चाहिए, मतलब 250-300 का आपने सूट भी लेना है जो ये कहते हैं कि महंगे महंगे, और उनकी फिर गारंटी भी चाहिए कि हमारा बढ़िया नहीं निकला, ठीक है। तो ये जो मैसेज कर देते हो ना एक दो, और एक कई भी करेंगे वहां से ले इसका ना ये 800 का दे रही है, वहां से ले 750 का दे रही है, और भी अपने डिजाइन बनवाती हूँ। और मैं यह बात पहले भी कह रही थी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, आपको फैब्रिक दिखाते हैं, शॉप पे आके विजिट कर सकते हो, शॉप का एड्रेस है, सब कुछ है, ठीक है। आपको 100 बार कपड़ा पसंद आए ना हाथ लगा के देखो, उड़े शीशा लगवा रखे उसके आगे लगा के देखो तब आप कपड़ा लो, किसी के साथ हमने जबरदस्ती नहीं करी। ये नहीं करा कि आप ले रहे हो, नहीं जी आपको भेज रहे हैं और आपने इतने पे करने हैं,
मन आए तो लो, फिर भी उसके बाद ये करते हो ना, महंगे हैं बहुत ज्यादा महंगे, बहुत ज्यादा महंगे है। मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही कि वो सस्ता कौन सा है, मतलब 400 तक लेके हम 9,500 तक के सूट बेच रहे हैं, 400 तक सस्ता सूट कौन सा है, तो फिर भी महंगे हैं महंगे हैं। ये कमेंट करने बंद कर दो, मतलब कुछ वो काम हो रहे, कुछ ठाली हो ना जिनके द्वारा काम धंधा नहीं, दूसरे का काम चल रहा ना उसको ठप करवाने के लिए मैसेज करते हैं कि इसके तो महंगे, और दूसरे वहां भी है मैसेज करे जिनने नहीं लेना होता। ठीक है, एक इंसान वो होता है चलो भैया आपका सूट अच्छा है लेकिन मेरा बजट नहीं है, देखो दीदी मैं नहीं ले पाऊंगी, वो बात अलग है। एक ऐसे होते जिन्हें लेना नहीं, ए या तो दुनिया तो महंगे रखा है, ए इसके तो इतने महंगे, तो मतलब भाई आपका जबरदस्ती हम आपके घर आ तो नहीं देने जा रहे है ना, के लो जी मैं तो आपके बार न्याग आएगी और यो सूट है आपने लेना है लेना है, चाहे कुछ भी हो मैं तो जबरदस्ती चेप कर जाऊंगी। तो जब लेना ही नहीं जिस चीज का मतलब है नहीं, फिर उस चीज को बदनाम करने में क्यों लाग रहे हो, कि मैंने बहुत ये बातें कमेंट भी आ लिया सुन भी ली, ए उसके परी रानी के तो दुनिया तो महंगे हैं, जो चीज ली नहीं तो तुमने पता क्यों कर है, कपड़े का हाथ नहीं लगा लिया नहीं। तो ये कमेंट करना बंद कर दो, कोई कर का खा रहा है अपना काम कर रहा है अपने बलबूते पर दम, ठीक है। तो ये उल्टे सीधे कमेंट करने बंद कर दो, और ये काम सिर्फ लुगाई कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे, तो ये लुगाइया के लिए यार, सही में लुगाई लुगाई तो इतनी ज्यादा जड़ा है, कति भी उनका ना सहन नहीं होती कि एक लुगाई आज के टाइम में अपने दम पे इतनी आगे क्यों कर ली कड़गी, तो उन्हें ये पावा या तो लुटा या तो दुनिया तो महंगे बेच है। तो ये कमेंट बंद कर दो। अरे हम जा रहे हैं मेले में, मेला घूमने आ जाओ।